हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल लेटेस्ट न्यूज़ में। तो दोस्तों, आज आप लोगों की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि यूपी पुलिस भर्ती सन 2018 में जो 41,520 सीट की हुई थी, कांस्टेबल के जो पद रिक्त रह गए हैं उसे दोस्तों, कांस्टेबल के रिक्त पद को लेकर हाई कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से मांगा जवाब। दोस्तों, आज की बड़ी खबर यही है कि कांस्टेबल के रिक्त पद जो 23,520 पद रिक्त रह गए हैं उसके लिए जवाब मांगे गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं आज की पूरी खबर विस्तृत रूप में बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी भर्ती संबंधित पूरी खबर मिलती रहती है। आप तो पहले से भी देख रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पूरी खबर क्या है। दोस्तों, आज इसमें आप देख सकते हैं पुलिस कर्मियों के खाली पदों पर सरकार से मांगी जानकारियाँ। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 41,520 पुलिसकर्मियों की भर्ती में बचे 5,694 पदों को सफल अभ्यर्थियों से भरने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। कोर्ट ने श्रेणीवार खाली पदों की हलफनामा में जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने लखविंदर सिंह व 137 अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने इस याचिका को अजय प्रकाश मिश्र व 216 अन्य की विचाराधीन याचिका के साथ सुनवाई के लिए प्रवेश करने का आदेश दिया है। याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की। याचिका का कहना है कि 23,520 पद पुलिस कांस्टेबल व 18,000 पद पीएससी का विज्ञापन 2018 में निकाला गया लिखित परीक्षा के बाद सरकार ने भर्ती रद्द कर दी। फिर कुछ समय बाद इन्हीं पदों की पुनः परीक्षा कराई गई। इसमें याचिकाकर्ता सफल घोषित हुए। दस्तावेज सत्यापन के बाद पुनरीक्षा परिणाम घोषित हुआ। द्वितीय मेरिट लिस्ट में भी याचिकाकर्ता सफल घोषित हुए, लेकिन 23,520 पुलिस कांस्टेबल पदों में 20,394 को प्रशिक्षण पर भेजा गया। पद खाली होने के बावजूद याचियों को प्रशिक्षण पर नहीं भेजा जा रहा है। विद संवाददाता दोस्तों, प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर को डिप्टी एसपी के पद पर प्रोन्नत करने के बाद उनकी प्रोन्नत आदेश पर रोक लगाकर पुनः मूल पद पर भेजने के क्रियान्वयन आदेश पर रोक लगा दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इंस्पेक्टर प्रोन्नति मामले में विशेष अपील अभी लंबित है, इसलिए याचिका को दिया गया कोई लाभ वापस नहीं लिया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील कुमार ने शामली में तैनात डिप्टी एसपी विनय कुमार की याचिका पर दिया है। याचिका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुप त्रिवेदी और बिहू राय ने कहा कि याचिका को 3 जुलाई 2019 को डिप्टी एसपी के पद पर प्रोन्नति दी गई। दोस्तों, ये खबर थी प्रोन्नति पर रोक लगाने के आदेश को कोर्ट ने रोका। जो आपने एक तरफ और भी देखा होगा कि मैंने अभी बताया आपको 41,520 में जो पद रिक्त रह गए हैं 5,694 उसे सफल बनाते हुए यहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है। दोस्तों, अगर आपने भी सन 2018 में याचिका थे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। अगर आप याचिका हैं तो दोस्तों, आप अगर याचिका हैं तो आप भी जाइए और वहाँ पे अपनी अपील करिए। खाली पद होने के बावजूद याचियों को प्रशिक्षण पर नहीं भेजा जा रहा, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज की बड़ी खबर यही थी। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा भर्ती संबंधित अगर कोई भी बड़ी खबर आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलता रहता है। तो ठीक है दोस्तों, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा।